हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका वीरेन के ब्लॉग्स में। आज है हमारे ब्लॉग का डे 4। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और प्रणाम। दिन की शुरुआत करने से पहले हम करेंगे थोड़ी सी पूजा पाठ। पूजा पाठ के बाद करेंगे हम ब्रेकफास्ट। तो मिलते हैं ब्रेकफास्ट पे। तो दोस्तों, आज नाश्ते में बनाया है हमस। ये मेरा फेवरेट है। मम्मी ये मेरे लिए हमेशा बनाती है, स्पेशली जब भी मैं सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाता हूँ। आजकल पितृपक्ष चालू है तो मैं कुछ नॉनवेज नहीं खा सकता, तो मम्मी ने मेरे लिए हमस बनाया। साथ में है चाय और हमारे नॉर्थ इंडियंस का स्टेपल पराठा। तो गाइस, नाश्ता करके मैं हो चुका हूँ रेडी ऑफिस के लिए। बस अभी मैं निकलने ही वाला हूँ और आज मैं वॉकिंग प्रेफर नहीं करूँगा बिकॉज मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ और 11 बजे मुझे रिपोर्ट करना होता है। अभी 10:30 हो रहे हैं, तो आधे घंटे मुझे ऑफिस पहुँचना है। 11:30 की मेरी एक मीटिंग भी है, तो अभी के लिए मैं वॉकिंग अवॉइड करूँगा। बट जो मेरे 10,000 स्टेप्स का जो मेरा टारगेट है, वो मैं शाम को घर आते वक्त अचीव कर लूँगा। तो गाइस, मैं निकल पड़ा हूँ ऑफिस के लिए और कल के मुकाबले आज थोड़ी सी हवा है और धूप भी निकली हुई है, तो डल मौसम भी नहीं है। तो लगता है भगवान ने मेरी सुन ली है। दोस्तों, मैंने अभी जस्ट भरी हुई ट्रेन जाते हुए देखी है, तो पता नहीं आज का दिन कितना लकी है कि खाली ट्रेन मिलती है कि नहीं। वैसे तो मुझे सिर्फ 4 स्टेशन ही जाना पड़ता है, बट रश मिलता है तो बहुत अनकम्फर्टेबली जाना पड़ता है। होपफुली खाली ट्रेन मिले आज, देखते हैं। स्टेशन पर पहुंचते ही हमारी ट्रेन भी आ गई है। कब मिल रही है? अच्छी भीड़ कम है गाइस, बच गया। मैं ट्रेन से बाहर निकल पाया। आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से भीड़ शाम को हो जाती है। सब अपने अपने टाइम से घर निकलते हैं। यूजुअली 8, 8:30, 9 बजे का टाइम तो होता है, वो काफ़ी रश आज होता है। और मुंबई की खास बात यही है, मुंबई का लोकल ट्रेन और मुंबई की भीड़। आज मैं एक स्टेशन पहले उतर गया और टारगेट यही है कि अपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। तो 5,000 ऑलरेडी हो चुका था, तो मुझे लगा एज स्टेशन पीछे आ जाऊँगा तो मेरे 5,000 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं घर पर। आप देख सकते हो बॉडी काफ़ी एक्सर्ट कर चुकी है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो पसीना भी उसी हिसाब से आ रहा है। और मैं हो जाता हूँ फ्रेश और मिलता हूँ आपसे फ्रेश होकर। तो गाइस, फ्रेश होकर मैं हो चुका हूँ रेडी डिनर के लिए। आज डिनर में सरप्राइज़ है मेरे लिए, ऐसे मेरी मम्मी ने कहा है, तो देखते हैं सरप्राइज़ क्या है। तो आज का दिन ओवरऑल काफ़ी हेक्टिक था। आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से ट्रेन में भीड़ जमा हुई थी, तो मैंने 2 ट्रेन एक्चुअली मिस करी और तीसरे ट्रेन में मैं चढ़ पाया। तो मुंबई में यूजुअली ऐसे ही होता है, पीक आवर्स पर कभी कभी आपको चढ़ने ही नहीं मिलता, लोग लटक लटक के चलते हैं, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है मुंबई में लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना। बट मुंबई की जान तो लोकल ट्रेन ही है, काफ़ी कन्वीनियंट है। अगर आप यही डिस्टेंस विद्या विहार से मेरे घर तक, जो नाहूर में है, वो अगर आप कैब से तय करेंगे या ऑटो से तय करेंगे, तो आपको वन वे अराउंड 600-700-ish पड़ेगा। बट वहीं पे लोकल ट्रेन आपको 20 रुपीज़ में, या अगर आप फर्स्ट क्लास में भी अपग्रेड करते हो तो मैक्स टू मैक्स 60 रुपीज़ में आपको घर पहुंचा देती है। तो मेरे हिसाब से लोकल ट्रेन काफ़ी कन्वीनियंट है और इसीलिए
काफ़ी लोग जो है लोकल ट्रेन ही प्रेफर करते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छी उनकी इनकम क्यों ना हो जाए। तो दोस्तों आज का दिन बहुत बुरा नहीं था, बट थोड़ा बुरा था क्योंकि आज 2000 का नुकसान हो गया मेरा। हुआ यूं कि हर महीने के 2 तारीख को मेरी एक EMI कटती है और मेरी सैलरी होती है 4 या 5 तारीख को, तो मैं ट्राई करता हूँ कि 1 तारीख को मेरे अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन हो। और ये जो लास्ट वीक आपको पता ही था कि मेरा लॉन्ग वीकेंड था, तो जिसकी वजह से ध्यान ही नहीं आया कि 1 तारीख है और 2 तारीख को मेरा EMI कटना है, तो जिसके वजह से मुझे 1 बाउंस चार्ज पड़ा। तो जैसे मुझे बाउंस चार्ज पड़ा, मैंने इमीडिएटली बैंक के एप्लीकेशन में जाकर इमीडिएटली मैंने लोन क्लियर EMI क्लियर कर दी। बट हुआ यूँ कि अगले दिन फिर से IDFC जहाँ से मैंने लोन लिया है, उन्होंने फिर से ऑटो पेमेंट की रिक्वेस्ट डाली मेरे ICICI अकाउंट में, जहाँ से मेरा पैसा कटना चाहिए। और क्योंकि फिर से मेरे अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं था, तो मेरे पे डबल बाउंस चार्ज पड़ा। और डबल ऐसे पड़ा कि IDFC से 2 बार बाउंस चार्ज, मतलब 500 500, और ICICI से बाउंस चार्ज 500 500, तो टोटल 2000 का नुकसान। तो बुरा तो लग रहा है क्योंकि हार्ड एंड मनी है, 2000 कम नहीं होता, खास करके एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 2000 काफ़ी मायने रखते हैं। और पैसा चाहे आप कितना भी कमा लो, पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो 1 रुपये हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो लाखों हो। तो दोस्तों बुरा लग रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ बैंक से बात करने के लिए कि वो कुछ तो कंसेशन करे, या तो वो वेव ऑफ कर दे मेरे इस पेनल्टी को, या तो वो कम करे उस पेनल्टी को, तो देखते हैं क्या होता है। पर कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा दोस्तों, तो आपको अपडेट करूँगा मैं सिचुएशन क्या है। फ़िलहाल तो मम्मी काफ़ी अपसेट है, जब मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी एकदम शॉक हो गई कि यार 2000 मुझे देता, मैं राशन में यूज़ कर लेती। तो मम्मी को कितने भी एक्स्ट्रा पैसा मिले, मम्मी उसको हमेशा घर के काम में ही लगाती है। अगर तेरे को 2000 मिलते तो तू क्या करती? घर के खर्चे में काम आता। घर के खर्चे में क्या यूज करती तू? क्या यूज करती? काफी सामान में यूज होता है, सब्जी बोलो, राशन बोलो, घर के छोटे मोटे खर्चे। एक चीज थोड़ी ना होती है, हजारों चीज होती है। तो तुझे बुरा लगा क्या मेरा 2000 का नुकसान? तो लगेगा ही। ट्राई कर रहा हूँ मैं, ये देखिए सानवी अपना गाना कितने आराम से देख रही है। नुकसान तो हुआ है, पर जैसी घर आया सानवी की शक्ल देखी तो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। सानू आजकल दोस्तों TV काफ़ी देखने लगी है, इसको खाना खाते वक्त भी TV चाहिए। मैं मम्मी को कितना बोलता हूँ कि मम्मी TV मत लगाया कर, बट मम्मी है ना दादी बन चुकी है, तो दादी का जो प्यार है ना वो भले कितनी भी स्ट्रिक्ट हो, अपनी पोती को लेके ना बहुत ज़्यादा लीनियंट हो जाती है। उसी जगह पर अगर हम लोग होते तो 2 फटके लगाने थे मम्मी ने हमको। ये देखिए उसके नखरे। तो दोस्तों देखते हैं काजल क्या कर रही है। सारा सामान तो यहाँ पर बिखरा हुआ है और मुझे उस वक्त ज्ञान दे रहे थे मेरा वार्डरोब खराब है, मेरा ये खराब है। ये क्या है काजल? तुम्हारे ही कपड़े। तो तूने मेरे कपड़े पूरे फैला के क्यों रखे हुए बेड पे? मुझे सॉर्ट करना है, मैंने तुम्हें ऑर्गेनाइज करना है, यहां पे सानवी के कपड़े रखूंगी, बाकी सारे हानिया से तुम्हारे कपड़े रखूंगी। तो ये अच्छा, तूने सॉर्ट करने के लिए वार्डरोब में तूने ये क्या लटक रहा है वो? अच्छा उससे एक जगह नहीं अड़ेगा? सानवी के कपड़े नीचे रखती है ना तू, नीचे भी तो 3 सेक्शंस है और मेरे शर्ट और जीन्स कहाँ रहेंगे फिर? ओके, तेरा पासपोर्ट का कैसा था आज का दिन? बहुत जल्दी हो गया था, 1 घंटे में पूरा प्रोसेस हो गया। कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगा तुझसे? नहीं, खाली मेरा, तुम्हारा पासपोर्ट और आधार कार्ड। इतने में हो, कब तक मिलेगा नया पासपोर्ट? विद इन 15 डेज बोला है। तो दोस्तों काजल बेसिकली
काजल के पासपोर्ट तो था बट उसमें मेरा नाम नहीं था, तो क्योंकि शादी के बाद काजल का सरनेम चेंज हो गया है मेरे नाम से और मेरे सरनेम से, तो आज वो रिन्यू कराने गई थी, तो काम तो हो गया है, तो आई गेस एक महीने में आ जाएगा, है ना, 15 डेज में आ जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी पड़े, कुछ भी नहीं, चलो अच्छा है। मेरे से तो 1800 लिए थे। चेंज नहीं हुआ था, मैंने कॉफ़ी स्पिल कर दी अपने पासपोर्ट पे, तो मुझे नया बनवाना पड़ा, तो डोंट वरी मेरा सरनेम चेंज नहीं हुआ गाइस, मैं रावत ही हूँ और काजल भी रावत, काजल को मैंने रावत ही बनाया है। तो क्या देख रही है भारती मैम के ब्लॉग्स? मेरी बेटी को देखो, मेरी पैंट खींच के मुझे बुला रही है कि डैडी मुझे उठाओ, ये देखिए, ये देखो सर। ओ आज हेल्पर बनी शेफ, क्या बना रहे हो भाई? अच्छा तू वो बासी भात को मसाले में वो कर रही, खुड़क रही है। ओके तो काफ़ी इजी डिश है दोस्तों, आप भी कर सकते हो घर बैठे बैठे, जैसे मेरी बहन कर रही है। बहुत इजी डिश ही आती है उसको, उसको मैगी आती है, उसको चाय आती है, उसको ये मसाला राइस बनाना आता है, और कौन सा इजी डिश है बीना? देखो सर्वाइव करना आना चाहिए, ठीक है? हाँ तो मेरी बहन बिल्कुल मुझ पे गई है, मेरा भी ऐसी है दोस्तों, सर्वाइवल डिश मुझे भी आ जाती है और मेरी बहन का भी सेम है, और अगर एकदम ही ज़्यादा आफत आ गई तो हम लोग बना लेते हैं। सर्वाइवल डिश से काम नहीं चलेगा तो दोस्तों हम लोग जो है वो कर लेते हैं मैनेज, तो शेफ़ के बच्चे हैं हम लोग, तो खून में हमारे खाना बनाना जो है ना वो थोड़ा थोड़ा आया है दोनों भाई बहन में। नीर है जो काजल ने मेरे लिए बनाया है, तो बेसिकली इसने मसाले में इसे टॉस करा है, और इसी के साथ मैं खाऊंगा सैलेड एज यूजुअल, और दाल भी है क्या? दाल नहीं आई, दाल नहीं है दोस्तों, तो आज ये दो डिशेस हैं जो मैं डिनर में खाऊंगा, तो मिलते हैं डिनर के बाद। ये देखो दोस्तों पपी फेस बना के दादी के पास चली गई और दादी ने उसको गोदी में उठा लिया, दादी की लाडली है मेरी सानवी। हे गाइस, तो हमने आखिर अपना डिनर कर ही लिया है और मैं भी आ गया हूँ अभी सोने, तो इसी के साथ हमारा डे 4 का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 हमें ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे व्लॉग्स को। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अपने 5th व्लॉग में, तब तक के लिए सी या।